पदयात्रा के मकसद को पूरा करने के लिए इसकी शुद्धता और ईमानदारी इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इसी वजह से गाड़ी का प्रयोग अभी तक नहीं करते हैं या बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेते हैं। आज पहली बार इस पदयात्रा को ब्रेक के लिए में लिया जा रहा है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताऊं कि ये ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूं, पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। सुखी में वहां हम 5 दिन रुके हुए थे, डॉक्टरों ने अपनी ओर से जो इलाज समझा वो किया और राहत भी मिली, फिर सुखी से चलना शुरू भी किए, लेकिन फिर से वो मसल टियर बढ़ गया है। तो यहां जब मैं समस्तीपुर आया हूं तो उसके बाद से 1 दिन रुके और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है, मतलब हिंदी में मसल फट गया है। और ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर यूज है, मतलब 20-22-25 किलोमीटर अगर आप डेली खराब सड़कों पर चल रहे हैं पैदल तो मसल फट सकता है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनका सुझाव यह है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1.5 महीने और 1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10 से 15 दिन के लिए हम यात्रा को यहीं स्थगित कर रहे हैं और जब लौटेंगे 15 दिन में इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में, अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने सुझाव दिया कि अब गाड़ी से चल लीजिए, आधा गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा।